न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। हेमंत सरकार पर जमकर बरसे भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार में कानून व्यवस्था हुई पूरी तरह से ध्वस्त। पत्थर बालू और जमीन की मची है लूट। 208 पीडीएस लाइसेंस रद्द मामले को लेकर आजसू ने भी खोला मोर्चा। कहा गलत तरीके से लाइसेंस देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी हो कार्रवाई। गांडे में हुई भाजपाइयों की बैठक, रांची में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह को सफल बनाने को लेकर की गई चर्चा। डीएलडी की परीक्षा परिणाम हुई घोषित। केएन बक्सी बीएड कॉलेज की छात्रा हुई जिला टॉपर। विगत कई वर्षों से केएन बक्सी कॉलेज के छात्र जिला स्तर पर कर रहे हैं टॉप। और गिरिडीह प्रीमियर लीग सीजन 2 को लेकर हुआ खिलाड़ियों का चयन। चयन प्रक्रिया में करीब 350 खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार के शासन काल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सभी सिर्फ पत्थर बालू और जमीन लूटने में लगे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को रांची जाने से पूर्व परिसदन भवन में प्रेस वार्ता कर झामुमो सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। यहाँ पर ना बेटियां सुरक्षित है और ना ही राज्य के जल जंगल जमीन सुरक्षित है। हेमंत सोरेन की सरकार के संरक्षण में पत्थर बालू व जमीन की लूट मची हुई है। राज्य सरकार के कार्यकाल में बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है, लेकिन सरकार को इस बात की जरा सा भी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सरकार गड़बड़ी और घोटाला करेगी उस पर सीबीआई और ईडी जांच करेगी और उनका जेल जाना भी तय है। है कि गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं उन्हें ईडी समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर जो है असंतुलित करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा एक बात बता रहे हैं, हेमंत सोरेन से पूछिएगा आप लोग, पड़ोस में एक तरफ उड़ीसा राज्य, उड़ीसा के मुख्यमंत्री क्या नाम है नवीन पटनायक, कितने वर्षों से उनके ऊपर तो कहीं कोई सीबीआई बाकी जांच की आपने नहीं सुना हो, वो भी अपोजिशन में। फिर पड़ोस में जिससे हम लोग अलग हुए नीतीश कुमार के ऊपर भी कभी आपने नहीं सुना होगा। तो क्या मतलब है भाई, जो गड़बड़ करेगा उसके ऊपर जांच होगी, उसके ऊपर सीबीआई, उसके ऊपर ईडी। और हेमंत सोरेन जी से ये आप सब लोग पूछिएगा, जब शिबू सोरेन जी तिहाड़ जेल गए थे ऋषिवत कांड में, किसकी सरकार थी दिल्ली में, किसकी सरकार थी उस समय बिहार, उन्हीं लोगों के साथ इनकी दोस्ती था। नरसिंहा राव की सरकार को बचाने के लिए इन उन लोगों ने पैसा लिया और नरसिंहा राव के मतहत ही सारे सीबीआई काम करती थी और इनको जेल जाना पड़ा। जेल गए थे कि नहीं गए थे बताओ आप सब। लालू यादव देश के राज्य के मुख्यमंत्री थे, बड़ी शक्तिशाली लीडर थे। केंद्र में लालू यादव ने ही मिलजुल करके देवेगौड़ा को देश के प्रधानमंत्री बनाया था। उस समय कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, ना केंद्र में थी ना राज्य में थी। उनको भी जेल जाना पड़ा, बियोर जेल जाना पड़ा था। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में जब लोगों ने कोलगेट 2G स्कैम हुआ तो कितने मंत्री और लोग त्यागपत्र दे करके लोगों को जेल जाना पड़ा। उस समय कौन सी बीजेपी की, कौन सी मोदी जी की सरकार थी? तो ये जो हार चोर अपने को बचने के लिए कुछ तरह तरह की बातें को गढ़ लेते हैं। इसलिए मैंने आप सब लोगों को दोनों ही प्रकार के उदाहरण दिया कि बगल में उड़ीसा भी है, बगल में बिहार में नीतीश कुमार भी है। ये अलग बात है कि तेजस्वी के ऊपर केस है, उनके साथ सटे हुए हैं, करप्शन वालों के साथ, ये बात हम लोग बोलते हैं, लेकिन उनके ऊपर तो कोई जाँच नहीं हो रही है, किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया था। आप बिहार की आज चर्चा कर रहे हैं, एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। बिहार में एनडीए सरकार के जो पूर्व सहयोगी थे जखनी, उनके बड़े नेता भी गंभीर आरोप लगाया है जातिवाद, जाति वगैरह को लेकर। देखिए जो जातीयवाद की राजनीति करते हैं वो तो वही आरोप लगाएंगे ना, जो लोग कहते हैं कि जैसे चश्मा जो लोग पहनते हैं
कोयला को लुटवा रहे हैं, पत्थर को लुटवा रहे हैं, बालू को लुटवा रहे हैं, यहाँ जमीन को लुटवा रहे हैं, किससे नहीं छुपा हुआ है भाई? आपका इसी गिरिडीह के नगर में जितनी भी खाली पड़ा हुआ जमीन है, आदमी को खड़ा खड़ा करके लोग केवाला करवाने की कोशिश कर रहे हैं, बाउंड्री वाल करा रहे हैं। 107 में भी लोगों को तीन तीन महीना जेल में लोग डाल रहे हैं, कौन नहीं जान रहा है भाई? जो आप लूट रहे हैं तो जब आज और कल लूटेंगे तो आप पकड़े ही जाओगे, जब जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन जाना पड़ेगा आपको लाल घर, उसमें कौन आपको छुड़ाएगा उस समय? तो क्या माना जाए कि जब भी ग्रीड एसपी एसडीपीओ और सदर विधायक, अरे माना क्या जाएगा कि भाई सब कुछ दिख रहा है ना, माना क्या जाएगा? ग्रीडी में भी आए थे तो उन्होंने मन से कहा है कि एक अघोषित विधायक दल के नेता हैं वो लगातार जो है राज्य में घोषित किया, भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया सर्वसम्मति से। आप जबरदस्ती नहीं मानेंगे उससे क्या अंतर पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की मीटिंग में सर्वसम्मति से नेता चुना और विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया, ये तो कॉमन सेंस है। अगर एक निर्दलीय व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, क्यों बनता है भाई? सारे दल के लोग उनके समर्थन में लिख करके गवर्नर को देते हैं, उनको बुला करके वो दिलाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ जेवीएम के और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने बैठ करके सर्वसम्मत से चुना और विधानसभा अध्यक्ष को दिया तो मामला टेंट शेड्यूल का लटका के रखे हुए हैं। क्या मतलब है साहब? ये तो गुंडागर्दी है, इसको आप समझा रहे हो? 208 पीडीएस लाइसेंस रद्द करने के मामले को लेकर आजसू ने भी मोर्चा खोलते हुए सरकार और प्रशासन आरोपी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आजसू जिलाध्यक्ष ने आंदोलन के बीच चेतावनी दी है। जिले के 108 पीडीएस लाइसेंस रद्द मामले में आजसू ने भी मोर्चा खोल दिया। आजसू के जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव साथ सांसद प्रतिनिधि इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। मामले को लेकर गुड्डू यादव ने कहा है कि गिरिडीह सांसद से लोगों को शिकायतें थी और इस मामले के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। कहा कि आजसू पार्टी की मांग है कि आखिर किस आधार पर लोगों को लाइसेंस दिया गया था और लाइसेंस अगर दिया गया तो उसे फिर किस आधार पर रद्द किया गया और किन लोगों को पीडीएस लाइसेंस जारी किया था। कहा कि गलत तरीके से बने पीडीएस दुकानदारों का लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए, लेकिन गलत तरीके से लाइसेंस बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि मामले की निष्पक्षता से अगर जांच नहीं करवाई गई तो आजसू पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कुछ दिनों पूर्व ही माननीय सांसद के पास सारे पीडीएस दुकानदार, कुछ दिन पहले जो अनुज्ञप्ति जारी किया गया था तो उन लोगों ने मिलकर एक आवेदन माननीय सांसद को दिए और माननीय सांसद ने यह आदेश दिया कि अगर 216 पीडीएस दुकान की अनुज्ञप्ति आप लोगों ने जारी किया और उसके बाद 208 दुकानों को रद्द कर दिया गया तो जो अधिकारी जो उस समय प्रभार में थे पहला कार्रवाई उस पर होना चाहिए। और आपने किस आधार पे उसको अनुज्ञप्ति दिया और अगर दिया तो फिर रद्द किस आधार पे किया, तो जो दिया उस पर भी तो कार्रवाई होना चाहिए। तो इसमें एक षड्यंत्र के तहत बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इसके निष्पक्ष जांच राज्य सरकार करे और राज्य सरकार अगर नहीं करती है तो माननीय सांसद ने यह कहा कि सेंट्रल तक ये मामला जाएगा। 18 अक्टूबर को भाजपा द्वारा रांची में आयोजित सम्मान समारोह को सफल बनाने को लेकर शनिवार को गार्डन में बैठक की गई। बैठक में कई वरिष्ठ भाजपाई शामिल हुए और पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले कार्यक्रम की सराहना की। भाजपा द्वारा गांडी प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को गिरिडीह विधानसभा, गांडी विधानसभा एवं डुबरी विधानसभा की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के गिरिडीह जिला के प्रभारी अमित तिवारी के अलावे जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक दीर्घ कुमार सहवादी, पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, प्रणव वर्मा, सुरेश साव, सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा, नगर निगम के मेयर प्रकाश सेठ, नुन्नू लाल मरांडी सहित विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष व महामंत्री सम्मिलित थे। बैठक में मुख्य रूप से 18 अक्टूबर को रांची में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपाइयों ने कहा कि भाजपा सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है
और सबों के सम्मान की चिंता करती है। बताएं कि 18 अक्टूबर को रांची में कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा राज्य भर में पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव में विजय हुए भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को सम्मानित करेगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति की ओर से सदर अस्पताल सभागार में कृमि मुक्ति दिवस के प्रचार प्रसार को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस राज्य द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके सफल संचालन को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कहा कि जिले में 1 वर्ष से 19 वर्ष से बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। बताया कि कृमि मुक्ति दिवस को सफल बनाने को लेकर स्कूल स्तर पर भी अभियान चलाया जाएगा। पशुपालन में क्या था यार? नेशनल डिवॉर्मिंग डे है, जिसमें हमारा टारगेट ग्रुप है 1 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे। इस ग्रुप के बच्चे पहले तो 1 से 5 साल तक के बच्चे हमारे आंगनवाड़ी में मिलेंगे, उसके बाद के बच्चे स्कूलों में मिलेंगे। ये स्कूलों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। और इसके लिए स्कूलों का और सभी टीचर्स का, सभी विभाग का ट्रेनिंग किया जा चुका है। सभी जगह दवाइयां भेजी जा चुकी है, सभी स्कूलों में दवाइयां पहुंच जाएंगी। और मंडे को प्रत्येक स्कूलों में अपने स्तर से लोग और सीएससी में अपने स्तर से उद्घाटन कराते हुए और सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी, जिससे कि वर्म की जो समस्या होती है उससे निपटा जा सके, वर्म से बच्चों को निजात मिले। और इससे जो कुपोषण की समस्या आती है इस वर्म के चलते, उस समस्या से भी निजात पाई जा सकती है। एनीमिया होता है जिस बच्चों के शरीर में, अगर किसी टाइप का वर्म होता है तो वो उसका जो भोजन है और वो जो आयरन है वो वर्म उसको डिप्लीट करता है, उसको खा जाता है, जिससे बच्चों में एनीमिया की समस्या होती है। और एल्बेंडाजोल की गोली खिलाए जाने से बच्चे स्वस्थ होंगे, एनीमिया की समस्या नहीं होगी, कुपोषण की समस्या नहीं होगी। और आपके माध्यम से हम सभी से अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और 1 से 19 साल तक के बच्चे अगर स्कूलों के बाहर हैं, कोई स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, तो वो भी नज़दीक के स्कूल में जाकर इस दवाई को ले लें। क्या लक्ष्य है सर इस पर? लक्ष्य क्या है? हाँ, हमारा लक्ष्य है 923,502 बच्चे। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। ग्रीडी कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखे, पावित्री हॉस्पिटल कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप सीओडी ग्रीडी। ग्रीडी कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखे, पावित्री हॉस्पिटल कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप सीओडी ग्रीडी। नर्सिंग के क्षेत्र में ग्रीडी के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी वगेरिया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी वगेरिया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी वगेरिया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है।
तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड जीडी बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल डीएवी एसएसबीएम हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट पैंट जीन्स टी शर्ट साड़ी धोती सूट पीस चूड़ीदार सलवार सूट लॉन्ग कुर्ती लेगिंग्स फ्रॉक टॉप नाइटी गरारा सरारा लहंगा चुनरी गाउन प्लाजो बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे, हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस कचहरी चौक गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी यूरोलॉजी स्त्री रोग हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया टाइफाइड प्रसव हाइड्रोसिल हर्निया अपेंडिक्स बावासीर गोल्ड ब्लैडर स्टोन पेट का कैंसर किडनी का पथरी बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम बरमसिया मगरपुर सवेरा रोड। अब आप किस शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ मेले में मिलेगा हस्तशिल्प बाजार का लखनऊ का चिकन वर्क भदोई का कालीन बनारसी सूट साड़ी भागलपुरी सिल्क असम का सामान सरहानपुर का फर्नीचर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिना पानी का कूलर फैंसी गैस चूल्हा साड़ी ग्राम उद्योग के वस्त्र आयुर्वेदिक दवाइयाँ बंगाल का शाखा पोला राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस टोरा टोरा मिकी माउस वाटर बोट ड्रैगन झूला जंपिंग झूला तारामाची वगैरह साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन चटपटा चाट गुपचुप मोमोज पाव भाजी आइसक्रीम मंचूरियन मिलेगा। तो एक बार अवश्य पधारे स्वर्ण सिनेमा के बगल में समय दोपहर 3:30 से रात्रि 10 बजे तक। बेंगाबाद में कर्माडाड़ में संचालित के एन बक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के डीएलडी सत्र 2019-21 के छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी से सफलता प्राप्त की है। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने में कृति शर्मा ने 1206 अंक 46.14% अंक प्राप्त कर पूरे गिरिडीह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त की है। वहीं द्वितीय स्थान में निशु कुमारी एवं तृतीय स्थान में कुमारी स्वाति ने स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है।
इस बाबत संस्थान के प्रबंधन ने बताया कि सत्र 2016 से 18 से ही लगातार महाविद्यालय के छात्र छात्राएं पूरे जिले में टॉप करते आ रहे हैं। सभी छात्राओं में 33 ऐसे छात्र हैं जिनका 80% से भी अधिक अंक प्राप्त किए गए हैं। वहीं 51 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 45% अधिक अंक प्राप्त किया है। परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन करने के लिए महाविद्यालय के वाइस चेयरमैन शैलेंद्र कुमार, सचिव रणविजय शंकर, उप प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, प्रोफेसर विनोद कुमार सुमन, प्रोफेसर नूतन शर्मा, प्रोफेसर पवन कुमार सुमन, प्रोफेसर नीलेश लकड़ा सहित अन्य सदस्यों ने छात्रों को शुभकामनाएं दी है। माई सेल्फ निशु कुमारी, स्टूडेंट ऑफ केन बक्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, करमाटान ग्रेडी। डीएलएड सेशन 2019-2021। डीएलएड सेशन 2029-2021 का जो रिजल्ट है उसमें मेरा स्कोर 86% है। मैं इस स्कोर करने के लिए सबसे पहले धन्यवाद अपने माता पिता, अपने टीचर्स और अपने मित्रों को करना चाहूँगी, जिनका हमेशा से मेरे ऊपर सपोर्ट रहा है, हमेशा से मोटिवेट किया है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया है। मैं केन बक्सी के बारे में कहना चाहूँगी कि वह केन बक्सी के वहाँ स्टाफ्स टीचर्स हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वह विच इज़ वेरी गुड, वहाँ आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी और वहाँ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वह बहुत ही शानदार होती है। तो वहाँ की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कीजिए, इंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ प्रीति शर्मा, स्टूडेंट टीचर्स ऑफ के एन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ड्यूरिंग द सीजन ऑफ 2019-21 आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द प्रिंसिपल एंड ऑल माई टीचर्स फॉर प्रिपेयरिंग मी फॉर दिस एग्जामिनेशंस। विदाउट दैम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम इन दिस पोजिशंस। I would like to say few words for our teachers and principal also. My teachers are a symbol of our strength and will always be a wonderful source of support for me and also other student teachers also. They are tough in the form of fathers and loving in the form of mothers, caring for us as if we were friends, strict disciplinarians also, but always looking out of us. Lastly, I would like to express my heartfelt gratitude to my sir, my parents and my caring brother. Thank you. खरियोटी में हजरत शेख सैयद मोहम्मद सादिक अली शाह तैफूरी रहमतुल्लाह अलैह का 59वां सालाना उर्स मुबारक धूमधाम से मनाया गया। चकुआडी के मुखिया मोहम्मद समीम ने चादर कोसी कर पंचायत वासियों के लिए शांति व भाईचारे की दुआ मांगी। शुक्रवार को खरियोटी के सादिक नगर में हजरत शेख सैयद मोहम्मद सादिक अली शाह तैफूरी रहमतुल्लाह अलैह का 59वां सालाना उर्स मुबारक धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान चपोड़ी पंचायत के मुखिया मोहम्मद समीम ने चादर पोसी कर पंचायत वासियों के लिए शांति व भाईचारे की दुआ मांगी। इस दौरान चादर पोसी के स्थानों पर अच्छे तरीके से सजाया गया था। उन्होंने कहा कि चादर पोसी कर क्षेत्र के लिए शांति हेतु दुआ की गई। मौके पर झामुमो नेता मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद अशरफ सहित कई लोग शामिल हुए। मदरसा जामिया हुसैनिया में शनिवार को 5 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 24 छात्र छात्राएं शामिल हुई और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दी। शनिवार को गिरिडीह के मदरसा सीमिया हुसैनिया में मदरसा सेवा सत्र 1977 के आलोक में विभिन्न पदों के लिए लिखित और मौखिक परीक्षा ली गई। फाजिल आलिम, स्नातक प्रशिक्षित, मैट्रिक प्रशिक्षित एवं लिपिक के लिए 31 छात्र छात्राओं ने आवेदन दिया था, जिसमें 24 छात्राएं परीक्षा में शामिल हुई। परीक्षा में झारखंड एकेडमी काउंसिल द्वारा हर विषय में अलग अलग एक्सपर्ट दिए गए, जिनकी निगरानी में परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा को शांतिपूर्ण माहौल में सफल पूर्वक संपन्न कराने में जिला प्रशासन की भी सराहनीय भूमिका रही। किस चीज का एग्जाम चल रहा है ये मदरसा जामिया हुसैनिया में? मैट्रिक ट्रेंड पोस्ट रिक्ति उसकी बहाली के लिए ये एग्जाम चल रहा है। कितने स्टूडेंट हैं इसमें अभी? अभी तो प्रेजेंट फिलहाल 4 हैं। कब तक इसकी फाइनल रिजल्ट होना है? फाइनल रिजल्ट हो जाएगा एक से या दो दिन के अंदर हो जाएगा इसके पूरा प्रक्रिया। गिरिडीह प्रीमियर लीग सीजन 2 को लेकर शनिवार को पुलिस लाइन मैदान में खिलाड़ियों के चयन को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गिरिडीह प्रीमियर लीग सीजन 2 का ट्रायल शनिवार को बरवाड़ी पुलिस लाइन में किया गया, जिसमें गिरिडीह के अलावे दूसरे जिले से भी करीब 350 खिलाड़ियों ने भाग लिया। NIS और
ICC क्वालिफाइड कोच जिसान वसी ने गिरिडीह के प्रतिभावना खिलाड़ियों का चयन किया। मौके पर आयोजकों ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों की लिस्ट जल्द जारी कर दी जाएगी, साथ ही टूर्नामेंट की तिथि की भी जल्द घोषणा की जाएगी। कहा कि इस लीग के माध्यम से सुदूर इलाके के प्रतिभावना खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाएगा। वहीं जिसान वसी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीत आपका हक है और मेहनत आपकी जिम्मेदारी, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है। आयोजन समिति में अविनाश यादव, मिराज खान, मीनू सिंह, विक्रम सिन्हा, प्रतीक सिन्हा, प्रकाश कुमार, सदाम हुसैन, रंजीत यादव, प्रेम साहू, अंकुर सिंघानिया, बादल सिंह मौजूद थे। वहीं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अब्दुल्ला और पूर्व क्रिकेटर सह माले नेता राजेश सिन्हा ने भी खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। नमस्कार, मैं मिराज खान, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी गिरिडीह प्रीमियर लीग से। आज गिरिडीह प्रीमियर लीग का ट्रायल का आखिरी दिन है और आज के बाद हम लोग लिस्ट आउट कर देंगे। जो भी प्लेयर सिलेक्टेड हैं उन सबको एक मैसेज, एक मेल के द्वारा सबको बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं और गिरिडीह प्रीमियर लीग में आप लोगों को खेलने का मौका मिलेगा। और इसमें 12 प्रखंड को हम लोग इस बार इनवाइट किए। 12 प्रखंड मतलब हो गया आपका कि बैंगाबाद बुल्स, इस तरीके से हम लोगों ने नाम रखा हुआ, फिर टाउन पैंथर, सरिया सनराइजर्स, गिरिडीह किंग्स, इस तरीके से हम लोगों ने IPL के तर्ज पे इसको कराने का प्रयास किया इस बार। और बहुत यहाँ पे मेरा नाम जिशान वसी है, मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने मुझे बुलाया था एज ए सेक्शन ट्रायल के लिए। सब मिला के एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि बेस्ट टूर्नामेंट हो और कुछ यूनिक हो, तो उसका रूल का जो गाइडलाइन हम लोग निकालेंगे वो रिजल्ट के साथ ही रहेंगे, क्योंकि प्लेयर्स को सबको मिलेगा कि प्लेयर्स सब मैच खेले हैं तो कुछ नया रूल है वो सब भी जानना जरूरी है। तो प्लेयर्स का जब नाम आएगा तो रूल भी पढ़ेंगे तो हम लोग के लिए वो बेस्ट होगा। और गिरिडीह प्रीमियर लीग सीज़न 2 का जो ट्रायल था 13 से 15 तारीख, आज उसका लास्ट दिन है। अप्रोक्स 350 लड़के फॉर्म भरे थे और लगभग सब आए हैं ट्रायल में अटेंड करने। और ये मेरे को अच्छा लगा कि हम लोग जो प्रयास किए थे गांव से बच्चे को लाने के लिए वो ट्रायल में भी दिखा, और यहाँ तक कि बिहार से भी लड़के आके ट्रायल दिए। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा खुशी का था कि कमेटी जो चाह रही थी कि बच्चे गाँव से आए, और गाँव से आए हैं और सब जितने भी टैलेंटेड आए, ऐसा नहीं था कि गांव से आ रहे तो उनके पास टैलेंट नहीं है। बहुत ही अच्छा पेस बॉलर में टैलेंट मिला हमें, ऑलराउंडर में टैलेंट मिला, कुछ कुछ ऐसे कोई लगा नहीं होगा कि बैट्समैन आके इस तरह का ट्रायल दे सकते हैं गांव से। और अच्छा हम लोग का था कि ट्रायल जो लगभग जो चाह रहे थे हम लोग को मिला। आज के अंक में बस इतना ही, तब तक लीजिए पूरी टीम को इजाज़त।